आज की मांग 236। भगवान स्वामी नारायण ने हम सभी को शिक्षा पत्री में एक आदेश दे रखा है, मनुष्य मात्र को इन 6 व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। कौन कौन? चोर, पापी, व्यसनी, पाखंडी, कामी और लोगों को ठगने वाला धूर्त, शठ। इन 6 व्यक्तियों का कभी हम संग न करें। हर एक मानवी को संग दोष लग सकता है। यदि हम इन 6 में से कोई भी एक कुसंस्कारी व्यक्ति के संग में रहेंगे तो शायद हो सकता है हम भी उसके जैसा दुष्ट आचरण करने लगे। मतलब चोर के संग में रहते रहते हम भी चोरी करने लग जाए, चोरी में से हम दुष्टता देखना बंद कर दे। चोरी भी एक करनी चाहिए ऐसा हम मान बैठे, ऐसा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे ही पापी के संग से पाप करने लगे, कामी के संग से हमें भी काम बढ़ जाए, हम पाखंडी के संग से पाखंड दंभ करने लगे, और जो व्यसनी है तो उसके संग में रहते रहते हम भी व्यसनी हो जाए। वैसे तो हुआ है, कोई जन्मजात तो व्यसनी होते नहीं है, और जो ठग है, जो शठ है, उसके साथ रहने से हम भी ठगाई सीखे तो हमारा परम अकल्याण हो जाए। इसलिए भगवान ने मना किया कि उनके संग में कभी न रहना चाहिए। यदि चाहे वो हमारा बहुत नजदीक का कहा जाता हो, लेकिन हम उसके संग में न रहे, ऐसी स्वामीनारायण भगवान की आज्ञा है। दूसरा एक घाटा वो भी लग सकता है, उनके संग में रहते हैं इसलिए हम भी उन जैसे ही माने जाएंगे, लोग हम पर भी अंगुली निर्देश करेंगे। कामी के संग में रहने से हम भी कामी में गिने जाएंगे, व्यसनी जैसे ही माने जाएंगे। भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के भक्त कभी भी ऐसे कलंकित न हो जाए, इसलिए भी उससे जितना भी हो सके दूर रहे। यदि हम उसको पहचानेंगे तो बच पाएंगे, और बाद में लालच या तो लाचारी से भी उसमें यदि खींचे न जाए तो ही बच पाएंगे। भगवान की आज्ञा है, सावधान, इन 6 व्यक्तियों का कभी भी संग किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए।